नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। अपरमित तू उदारात्मा कब बचाएगी कृपा की कोर ओ मुझको कब बचाएगी कृपा की इस भजन के लेखक शंकराचार्य एक अद्भुत जोश और मुस्तैदी से भरपूर इंसान थे। उनमें एक अजीब मिश्रण था, दार्शनिक और पंडित का, आस्तिक और रहस्यवादी का, कवि और संत का, और इन सब के अलावा वो एक सुलझे हुए सुधारक और आयोजक थे। जाहिर है कि वो अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह सचेत थे और पूरे भारत को कन्याकुमारी से हिमालय तक अपनी कर्म भूमि मानते थे। भारत एक अस्तित्व था जो एक ही संस्कृति से जुड़ा था, चाहे उसकी बाहरी शक्लें अलग क्यों न हो। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस समय की कई अलग धाराओं को एक मत किया जाए। शंकराचार्य मानते थे कि मोक्ष पाने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। शंकराचार्य के दर्शन ने दक्षिण में काफी पहले शुरू हुए मगर लोक जीवन में अस्त व्यस्त ढंग से फैले धार्मिक आंदोलन को शास्त्रीय रूप दिया और शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि भक्ति के इस नए रूप का विकास पहले पहल तमिल देश में हुआ। तमिल देवता मुरुगन को समर्पित पत्तुपाट्टू अर्थात 10 कविताएं नाम के एक मशहूर काव्य संकलन में भक्ति के नए रूप का इजहार दिखाई देता है। देख मस्तक नवा वो छवि माया
की कल्पना इस रूप में की गई है कि वो भक्त को प्रेम करता है और भक्त उसे बदले में वही प्रेम लौटाता है। इस जज्बात का इजहार सबसे पहले तमिल के शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों के सूक्तों में और वीर शैव के कन्नड़ वाचनों में मिलता है। क्या अंतर है बोलो प्रभु जी, अंतर क्या है बोलो, अंतर क्या है बोलो। क्या अंतर है बोलो प्रभु जी, अंतर क्या है बोलो, अंतर क्या है बोलो। मैं हूँ तुम हो जाओ, नरक दुसह इस करते तल का, स्वर्ग पहुँच कर सुख लूटू या बना रहूं मैं पेट नरक का, स्वर्ग पहुँच कर सुख लूटू या बना रहूं मैं पेट नरक का, बना रहूं मैं पेट नरक का। क्या होना है बोलो प्रभु जी। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि तमिल में ही सबसे पहले भक्ति कवि सामने आए। गुप्त काल तक संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा बनकर ही रह गई थी और आम बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना संभव नहीं थी। ऐसे समय में तमिल ही एक ऐसी भाषा थी जो साहित्यिक और दरबारी परंपरा से भी जुड़ी हुई थी और बोलचाल और लोक परंपरा से भी। याद नरक के पर आदि जब, याद नरक की डर का मारा, रो देता हूँ चरण शरण में ले लो प्रभु जी, चरण शरण में ले लो, चरण शरण में ले लो प्रभु जी, चरण शरण में ले लो प्रभु जी, चरण शरण में ले लो, चरण शरण में ले लो, चरण शरण। भक्ति कवियों की भाषा दरबारी संस्कृत के एकदम विपरीत है। कन्नड़ के वीर शैव संत कवि बसवण्णा कहते हैं, प्रभु जी मैं तो गाना जानू, गाना गाकर जीना जानू, प्रभु जी मैं तो गाना जानू, गाना गाकर जीना जानू, ताल न जानू लय न जानू, डोलू पखवाज बिना न जानू, चंद गणों का गणित न जानू, मन की बात सुना न जानू, प्रभु जी मैं तो गाना जानू, गाना गाकर जीना जानू, मैं तो बस इत
इतना ही जानो, तुमको अपना स्वामी मानो, मैं प्रेमी तुम परम राजा लो। गाना प्रेम कराना जानो प्रभु जी, मैं तो गाना जानो, गाना गा कर जीना जानो प्रभु जी। साहित्य, धर्म और कला ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में जोड़कर नया रूप दिया। हर्षवर्धन के हमदौर पल्लव राजा महेंद्र विक्रम वर्मन महान रचनाकार और कला प्रेमी थे। वो चित्रकार थे, संगीत के माहिर थे और उन्होंने संस्कृत में रचनाएं लिखी। अपने प्रहसन मत विलास में उन्होंने उस दौर के बौद्ध, जैन, वैदिक, शैव, कापालिक और पाशुपत जैसे धर्म मतों में आई नैतिक गिरावट का व्यंग भरा चित्रण किया है। कण कण व्यापी अंतरयामी सर्वसाक्षी परमेश्वर, दो सबको संपत्ति कीर्ति हो जितनी इस वसुधा पर। स्वामी कहे तो आज आप रसिक जनों के लिए कौन सा नाटक खेलने जा रहे हैं? मत विलास प्रहसन। मगर इसे लिख कर प्रसिद्धि चाहने वाले नाटककार का नाम तो बताएं। सुनो प्यारी, इस प्रहसन के रचयिता हैं छह गुणी बड़ी शत्रु शक्ति के संहार की इच्छा रखने वाले सिंह विष्णु वर्मन के सुपुत्र, कला और साहित्य प्रेमी महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन, जो पल्लव वंश के पर्वत हैं, शक्ति और समृद्धि में इंद्र के समान हैं, दानशीलता में कुबेर को चिढ़ाते हैं। हाँ, मगर अब शुरू करें। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये देखो ना, देखो वो कपालिक सत्यसोम अपनी प्रिया देव सोमा के साथ मदिरालय में मदिरा पान कर रहा है। ये सच है प्यारी देवसोमा कि तप करके सुंदर हुआ जा सकता है, जैसे कि तुमने परम तप करके पल भर में ही ऐसा अद्भुत रूप पा लिया। आ आ आ आ आ आ चमकीली बूंद पसीने की खिलती मन भावन मुखड़े पे, है प्राण निछावर इन हिलती कपती बलखाती भोहों पे, मुस्कान अकारण अधरों पे वे बहके बहके बोल जब लाल नशीले नैनों में तिरते डोरे ढाते हैं गलब, कंधों पे बिखरे केशों के उपवन में चेत भटक जाता, ये कदम डगमगाते हैं ऐसे मन डावा डोल हुआ जाता। भगवान, लगता है आप मुझे भी नशे में समझ रहे हैं। क्या कहा तुम देवा प्यारी, तुमने क्या कहा कि मैं कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं भगवान। क्या कहा कि मैं नशे में हूँ? मैं नशे में हूँ भगवान, सारी धरती घूम रही है, लगता है मैं गिर जाती हूँ, मुझे तुरंत सहारा दीजिए। देता हूँ, देता हूँ, अभी देता हूँ। अरे प्यारी,
क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे मैं तुमको सहारा देने आता हूँ और तुम हो कि दूर चली जाती हो, तुम नाराज मुझसे सोमदेवा? हाँ सोमदेवा है नाराज, तुम उसके कदमों में सिर रखकर मनाने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं मानेगी। अरे तुम क्या वाकई सोमदेवा? नहीं 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 नहीं, तुम तो देव सोमा हो। भगवान मुझे लगता है सोमदेवा जरूर आपकी कोई चहेती है, तभी तो आप मुझे मेरे सही नाम से नहीं बुला पा रहे। नशे 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 की गड़बड़ी में शब्दों में उलट पुलट हो जाता है देवी। गनीमत है गड़बड़ी आपकी नहीं। ये मदिरा के दोष ने मुझ पर जो अधिकार जमाया है, नहीं ठीक ठीक है, आज से मैं मदिरा बंद करता हूँ, आज से मदिरा बंद। भगवान ऐसा ना करे, मेरे कारण व्रत तोड़कर तपस्या भंग न करे। उठो 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 प्यारी उठो। अपलक देखो मुख प्यारी का, मदिरा का करके नित सेवन, पहनो पोशाक कुदरती ही चाहे घिन से भराए मन। जय हो जय जय हर हर महादेव, जय हो भगनाथ पिनाकन की, दिखलाई जिसने दिशा हमें है बंधनहीन मुक्ति पथ की। बंधनहीन मुक्ति पथ की, बंधनहीन मुक्ति पथ की। भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, कुछ तो मोक्ष का कुछ और ही मार्ग बताते हैं। अरे वो मिथ्या दृष्टि है भद्रे, वे विधर्मी हैं, तर्कवाद को मानकर वे कहते अविराम जिसका जैसा काम है वैसा ही परिणाम। अरे वैसा ही परिणाम कि है वे परम भागे, उल्टी खोपड़ियों में मतलब उल्टे जागे। सुन लो उनका तर्क, ज्ञान जो पिए ओख से सुख पाता है जन्म दुख से भरी कोख से। अरे बुराई करने की इच्छा से भी उन पापियों का नाम लेना उचित नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, केश उखाड़ना, निश्चित समय पे भोजन करना और मैले वस्त्र पहनना आदि जैसे नियमों को बनाकर लोगों के ऊपर दबाव डालो और उन्हें दुख पहुंचाते हैं, क्या ऐसे मिथ्या दृष्टियों का नाम लेने से जो मेरी जीभ पवित्र हो गई है उसे मैं मदिरा मदिरा से पवित्र करता हूं, क्यों देवी? तो भगवान हम मदिरा की दूसरी दुकान पर चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं, चलो देवी। कैसी सुंदर लग रही है ये कांची नगरी, मंदिरों के कलशों पर विश्राम करते बादलों की गरज ऐसा भ्रम पैदा करती है कि मानो कहीं बज रहे मृदंग। फूल मालाओं से लदी दुकानों को देखकर ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु ही छा गई। सुंदरियों की करधनियों की झंकार कामदेव की विजय की घोषणा करती है। भगवान ये कांची नगरी तो देवी मदिरा के समान मधुर है। उधर देखो ना प्यारी, ये मदिरालय तो यज्ञ भूमि के समान है और ये झंडे लगे खंबे यज्ञ भूमि में पताका के समान है, और मदिरा सोमरस है और पियक्कड़ ही पुरोहित है, प्याला चमच है और भुने हुए मांस हवन सामग्री के समान है। स्वाहा नशेड़चियों की बातें ही यजुर्वेद के मंत्रों सी लगती हैं। मशक हवन में डालने की शुआ है और उसे पीने की इच्छा ही अग्नि है,
और मदरालय का मालिक साक्षात यजमान है। और हमें जो भिक्षा मिलेगी वह यज्ञ में शिव जी का हिस्सा होगा। हाँ अवश्य होगा। ब्रुं ओम नमः शिवाय। ब्रुं ओम नमः शिवाय। ब्रुं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब चलो पीते हैं। माई भिक्षा दो, देवी भिक्षा दो, श्रीमंत भिक्षा दो। लीजिए भगवान, भिक्षा लीजिए। अभी लेता हूँ श्रीमंत। मेरा कपाल कहाँ है प्यारी? मेरा कपाल कहाँ रखा है? कपाल? हाँ कपाल तो मेरे पास नहीं है भगवान। अरे लगता है उसी मदरा की दुकान में उसे भूल आया हूँ। चलो वापिस चल करके लेते हैं। भगवान आदर से दी जा रही भिक्षा को ठुकराना पाप होता है। हाँ। अब हम क्या करें? धर्म संकट हो तो ये नियम है कि गौसिंगे में ले सकते हैं। हाँ भगवान। जय शिव शंकर। जय कल्याण। अरे मेरा कपाल तो यहाँ भी नहीं। हे महेश्वर, अरे क्या आप लोगों में से किसी ने मेरा भिक्षा पात्र, मेरा कपाल देखा है? क्या कहा श्रीमान? हमने नहीं देखा। अरे मैं क्या करूं, मेरी तो तपस्या ही भंग हो गई। अरे कपाल के बिना तो मैं कपालिक भी नहीं कहलाऊंगा। हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख। ठीक है, अरे वो तो एक चिन्ह मात्र था। अरे कपालिक तो मैं अभी उठो प्यारी। मगर भगवान किसने लिया होगा कपाल? ये तो लगता है कि उसमें कुछ मांस लगा रह गया था, इसीलिए उसे किसी कुत्ते ने या बौद्ध भिक्षु ने लिया होगा। तब तो हमें उसे सारी कांची नगरी में ढूंढना चाहिए। आओ प्यारी आओ। धर्म बंधु सेठ धनदास की दानशीलता अपार है, जिनके घर से मुझे मनचाहे रंग गंध और स्वाद वाली तरह तरह की मछलियां और स्वादिष्ट मांस के भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त हुए। ओम मणि पद्मे ओम। तृप्त हो गए। अब हम राजकीय विहार के लिए चलें। अरे रे रे, अरे परम आदरणीय भगवान तथागत ने भिक्षु संघ पर कृपा करके उनके लिए भव्य भवनों में रहने, आरामदेह बिस्तर पर सोने, दोपहर का भोजन करने और रेशमी सुंदर वस्त्रों को धारण करने के नियम तो बनाए, किंतु मदिरापान और स्त्रियों के साथ रहने की अनुमति नहीं दी। सब कुछ जानते हुए भी भगवान ने ऐसी भूल क्यों कर की होगी? ना 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 ना, मुझे पूर्ण विश्वास है अवश्य ही बूढ़े दुष्ट आलसी साधुओं ने युवकों से ईर्ष्या के कारण ही मदिरापान और स्त्रियों के सहवास के नियम को धर्म ग्रंथों से निकाल दिया होगा। हाँ किंतु किंतु अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ओम ओम मणि पद्मे ओम। भगवान देखे तो वो आदमी अपने अंगों को सिकोड़े इधर उधर देखता, डर डर कर कदम रखता, यहाँ से सरकने की कोशिश कर रहा है। हाँ प्यारी, और उसके हाथ में कुछ है भी
जिसको उसने अपने चीवर में छुपा रखा है। तो भगवान उसे पकड़े और पता लगाए? हाँ प्यारी, ऐसा ही करते हैं। अरे पुष्ट भिक्षु, रुक जा। ये कौन मुझे इस तरह बुला रहा है? अरे ये तो एकाम्र निवासी दुष्ट कपालिक है। जो हो, मुझे इस पियक्कड़ की छेड़छाड़ से बचना चाहिए। प्यारी, कपाल मिल गया। उसका मुझे देखकर डरना और फिर भागने की कोशिश करना ही चोरी का प्रमाण है। चलो पकड़ो उसे। अरे दुष्ट, अब जाता कहाँ है बच के? देखो भाई कपालिक, ऐसा व्यवहार ना करो। ये क्या, ये पासी के तो बहुत ही सुंदर है। अरे दुष्ट, दिखा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तूने चिवर के नीचे अपने हाथों में क्या छिपा रखा। देखने को ऐसा है ही क्या, बस एक भिक्षा पात्र ही तो है। इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ। देखो बंधु, ऐसा ना करो, भिक्षा पात्र को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। हाँ, इसीलिए बुद्ध ने लंबे वस्त्र पहनने का आदेश दिया, ताकि चीजों को छिपा के रख सको। हाँ ये तो सच है। ये तो छिपा हुआ सच हुआ, अब जरा सच को खोल के दिखाओ। बहुत हंसी हुई, भिक्षा का समय बीता जा रहा है, मैं चलता हूँ। अरे दुष्ट, जाता का है, मेरा कपाल मुझे दे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय के बदले नमो खरपटाय का, जिसे चोर विद्या बनाई। ब्राह्मण की गठरी में से मन उड़ाया, धर्म नियम का बहुत बड़ा जंजाल बनाया, कुछ तो लूटा महानिबंध महाभारत से, और शेष चुराया मुनियों के वेदांत ग्रंथ से। शांतम पापम, शांतम पापम, शांत पाप। मरे सदाचारी के पाप क्यों न शांत होंगे भगवान। भगवान, आप थके हुए लग रहे हैं, ये आसानी से कपाल नहीं देगा। क्यों ना पहले थोड़ी मदिरा पी ले, फिर नई शक्ति पाकर इससे लड़े। ठीक कहती हो प्यारी, अवश्य ऐसा ही करते। लो प्यारी, थोड़ा सा इसमें से पी लो, तुम भी लो। जैसी आप। अरे इस आदमी ने हमारे साथ अवश्य बुराई की है, पर हमारा सिद्धांत तो बांट कर खाने का है, तो क्यों ना इसमें से शेष मदिरा जो बची हुई है परम आदरणीय आचार्य को दे दो। लीजिए श्रीमन, पीजिए। बिना कुछ किए ही भाग्य जगे हैं, पर समस्या ये है कि कोई देख ना ले। नहीं नहीं देवी, ये मदिरा पान हमारे लिए उचित नहीं है। हार में जाओ, तुम्हारे ऐसे भाग्य ही कहाँ। अरे झूठ बोलता है ये, सोचता कुछ है और कहता कुछ है, फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। अरे दया आ गई तो फिर मैं वीतराग कैसा। अगर आप वीतराग हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक, नहीं करता क्रोध। ला, मेरी चीज मुझे वापस कर दे। चीज कैसी चीज? अरे कपाल। कपाल? अरे कैसा कपाल? अरे मेरी चीज चुरा लिया, मेरा कपाल, कहता कहता कपाल। भगवान, ये आसानी से नहीं मानेगा, इससे कपाल छीनी और चाहिए। अरे नहीं यार, ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। कपाली का चेहरा सामना होगा। सर मुड़ाने का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जय। उठो उठो उपासिके, उपासिके उठो, उठो उपासिके, उठो 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 उठो। अरे अरे देखो सज्जन हो, यह दुष्ट जो अपने को नागसेन भिक्षु कहता है, मेरी प्रिया का पाणी ग्रहण कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, ऐसा ना कहो, गिरते हुओं को सहारा देना तो हमारा परम धर्म है। तो क्या यह भी उसी सर्वज्ञ बुद्ध की शिक्षा? अरे पहले मैं गिरा तब तो मुझे उठाया नहीं, अब कहता है ठीक है तो पहले तेरा भोपड़ी को मैं अपना भिक्षा कपाल बनाता। तुकाम, तुकाम, देखो सज्जन, ये दुष्ट पाखंडी है, पहले मेरा भिक्षा कपाल चुरा के फूफी चिल्ला रहा है, तो ठीक है मैं भी चिल्लाऊंगा, ब्राह्मण पर अत्याचार, ब्राह्मण पर अत्याचार, ब्राह्मण पर अत्याचार। अरे सत्य सोम, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे ये दुष्ट नागसेन जो अपने आप को भिक्षु कहता है, इसने मेरा कपाल चुरा लिया और देने से इनकार कर रहा है। अरे थोड़ा दे दो मुझे ये, छोड़ो। ये हजाम का दास, ले चला मेरी प्यारी को फुसला कर, छिपी हुई अपनी अंटी की चमकीली कौड़ी दिखलाकर,
ले जाता है जैसे कोई चोर गौ को ताजा घास सूंघा कर। मैं भी अभी दिखाता हूं इस पाखंडी को पटखनी खिलाकर। क्यों भाई, तुमने इसका कपाल क्यों चुराया? श्रीमान आप भी ऐसा कह रहे हैं, बिना दी हुई चीज को ना लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीव हत्या से बचो, झूठ ना बोलो, असमय भोजन ना करो, यही नैतिक उपदेश तो हमें मिला है। बुद्धम शरणम धममम गच्छामि। सत्य सो, इनके तो आचरण का यही सिद्धांत है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? हमारे आचरण का सिद्धांत है झूठ ना बोलना। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो, फिर फैसला कैसे हो? बुद्ध के वचनों को मानने वाला एक भिक्षु मदिरा पात्र चुरा सकता है क्या? हे दयाने दान, इसने कपाल को चिविर के भीतर छुपा रखा है। श्रीमन सुना आपने? पर भगवान ये कपाल मेरा है, किसी और का नहीं। तो ठीक है, तो फिर दिखाओ। ये लो। अच्छा ये देखिए भगवान, आप इसे देखते क्यों नहीं, बताइए ना इसका रंग क्या है? अरे इसमें कहने को है ही क्या, क्या इसको मैंने देखा नहीं? इसका रंग कौवे से भी ज्यादा काला है। तब तो तुमने खुद ही मान लिया कि ये कपाल मेरा है, तुम्हारा नहीं। आज मैं बर्बाद हो गई, मेरा तो भाग्य ही फूट गया। सभी अच्छे गुणों से युक्त कमलासन ब्रह्म के मस्तक सा चमकीला और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और बदिरा की कमी न खत्म होने वाली गंध से भरा मेरा कपाल इस भिक्षु के मैले वस्त्रों से चूकर कितना मैला होगा। प्यारी फिक्र मत करो, वो फिर से पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि प्रायश्चित से बड़ी चीजें पवित्र हो जाती है। क्यों प्रभुकल्प, ठीक है ना? नहीं 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 भाई, इसका फैसला मुझसे नहीं होगा, अदालत में चलना ही ठीक होगा। भगवान अगर ऐसी बात है तो हम कपाल को नमस्कार करते हैं। क्या मतलब? इस भिक्षु ने तो अनेक विहारों से खूब धन इकट्ठा कर रखा होगा, ये तो अदालत में देकर रिश्वत कारिंदों का मुंह बंद कर सकता है, मगर इस सांप की केचुली मात्र संपत्ति वाले इस कपाले की मुझ जैसी गरीब दासी के पास इतना धन कहाँ कि मैं अदालत जा सकूं? बहुत हुआ, साँच को आज क्या। ठीक है भगवान, आप ही आगे चले हैं। अवश्य अवश्य, चलिए चलिए। ये दुष्ट कुत्ता, हाँ भुने हुए मांस भरे कपाल को लेकर भाग रहा है, हैं? अबे दासी पुत्र भागेगा कहाँ? अच्छा कपाल को छोड़कर मुझे खाने आ रहा है, हैं? मुझे खाएगा? मैं से तेरे दांत तोड़ दूँगा। बहादुरी देखकर गुस्सा करता है, अबे दुष्ट कुकुर पागल, बात उस सूअर की पीठ पर चढ़कर मैं आसमान से छुआ समुद्र में रावण को हराकर शुक्र के बेटे मंगल को जीत लिया है। ठहरो ठहरो, वो देखो वो पागल इधर ही आ रहा है, जरा उस आदमी की शक्ल तो देखो, इसे गांव भर का कूड़ेदान हो। श्रीमान जी ये कपाल स्वीकार करें, इसे मुझे एक चंडाल जी के महा आदरणीय कुत्ते ने दिया था। हाँ ठीक है, इनमें से जो भी तुम्हें योग्य लगे उसे दे दो। ब्राह्मण देवता कृपा करके इसे स्वीकार कर। नहीं 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 नहीं, ये महाकपालिक ही इसके योग्य हैं। महाराज इस कपाल को स्वीकार करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरा कपाल? हाँ हाँ ये तो हमारा ही है। अरे इसके मिलते ही मैं फिर से कपालिक हो गया। अरे दासी पुत्र जय खाले। अरे मेरा कपाल दे दो। अरे अरे आप लोग मेरी सहायता कीजिए ना। अवश्य अवश्य, मेरा कपाल दे। अरे मूर्ख इतना नहीं, ये सोने का है। सोने का? हाँ
किसने बनाया इसे? इसे इसे स्वर्ण वस्त्र पहनने वाले सुनार दीजा ने बनाया था, इसीलिए सोने का है। क्या कहा तूने? स्वर्ण पात्र है ये मूर्ख। ये पागल है क्या? पागल? हाँ सुनो, ये पागल कौन है? ये शब्द मैंने बहुत बार सुना है। सुनो इसे रखो, मुझे बताओ पागल कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वाह, उस दीवार के पीछे। दीवार के पीछे? जाओ पकड़ो दो। आश्चर्य है, मेरे विरोधी को लाभ होने पर भी मुझे खुशी हो रही है। सालों तक जो मैंने की तपस्या और शिव जी की भक्ति भी, तो मिलते हैं तेरे वो कपाल, ओझल हो गई उसकी छवि भी। हे प्रिया, इस समय मेरी आंखें आपको देखकर वैसे आनंदित हो रही हैं जैसे जैसे चंद्रोदय के समय संध्या को देखने से होती है। ओम मणि पद्मे ओम। कैसा लगा? महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन, हमें जाने की आज्ञा दे। इस प्रहसन को देख हमारा मन दुख से भर गया है। देखिए भिक्षुगण, ये एक प्रहसन है, बस एक प्रहसन, इसे दिल में ना बिठाइएगा। ये तो सत्य का सार है। अब तक हमें लगता था आप हमें सम्मान देते हैं, पर देखिए वो तो अब भी है, किंतु कुछ शर्तों के साथ, और शायद आप इसकी अनुमति भी देंगे, क्योंकि ये शर्तें मैं केवल आपके धर्म पर ही नहीं दूसरे धर्मों पर भी लगाता हूं। मैं विनती करता हूं हमें जाने की आज्ञा दे। तो ठीक है, आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा मंचन किया आपने। महाराज के व्यंग्य में तीखापन था, आपको ऐसा नहीं लगा क्या? जी हाँ, पर महाराज अधिक अच्छा होता यदि यह तीखापन उन शैवों की ओर होता जो दिनों दिन भय का कारण बनते जा रहे हैं। पाशुपत नाम का चरित्र था तो? विदूषक है पाशुपत। तो मेरा इशारा उन नए नारों की तरफ था जिनकी अगुवाई आप में से ही एक ब्राह्मण अपर करता है। वो हम में से नहीं है महाराज, जिसे हम पवित्र मानते हैं उसकी वो निंदा करता है। वो ना वेद का सम्मान करता है ना ही वैदिक आहुतियों का। वो कहता है उसे स्वयं और भगवान के बीच किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्षमा कीजिए महाराज, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु के साथ उसकी सीधी बातचीत होती है और पुजारी जी उसमें बाधा बन जाते हैं। नहीं महाराज, ये अपर समाज के लिए जो संकट पैदा कर रहा है उसे आपको समझना चाहिए। हमारे ब्राह्मण मित्र इस संकट को देख कर क्या महाराज, इन दिनों गांवों के गांव अपर की बातों से प्रभावित हो रहे हैं। हमारी धर्मशालाएं गांवों से सहायता ना मिलने के कारण नष्ट हो रही। वो एक भयानक मनुष्य है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है ईश्वर के सामने हर व्यक्ति समान है। अब आप पते की बात कह रहे हैं, ये अपर और उसके बुरे कर्म समाज की बनावट को चोट पहुंचा रहे हैं। हम आत्म संयम की शिक्षा देते हैं और वो असंयम की। किसान वर्ग उसके दुष्कर्मों से सुख और स्व आसक्ति के सिद्धांतों के बहकावे में आ रहा है। इस अपर में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो आप जैसे ब्राह्मण जैन और बौद्धों का उपहास करने की हिम्मत करता है, और आप लोग उसकी इतनी बढ़ा चढ़ाकर आज ही शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो तो पिछले कई दिनों से ऐसा करता रहा है महाराज। क्योंकि अपर समुदाय के लोग नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे जैन मित्र ये देख रहे हैं कि यदि अपर को सीधा रास्ता मिल गया तो उनके हाथ से उनका संप्रदाय फिसल सकता है। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने तो कई बार शिकायत की लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है आपकी शिकायत करने के ढंग में कोई कमी रही हो, पर जो भी हो समस्या गंभीर है। अगर आप सोचते हैं
कि इस व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो हम उसे तुरंत रोकेंगे। हम नहीं किसी के दास, हमें अब लगता जरा न डर, हमें अब लगता जरा न डर, हमें अब लगता जरा न डर। कहीं मरण का भय देहला था, कहीं नरक भय तन को, ना घबराए कर कर कांपे, दुख नहीं अब मन को। दिन पर दिन आनंद अब मढ़ता, शिव की छाया हम पर, दिन पर दिन आनंद अब मढ़ता, शिव की छाया हम पर। हम नहीं किसी के दास, हमें अब लगता जरा न डर, हमें अब लगता जरा न डर। वो अपना शंकर शुभ कर है, नयन हर्ष कर जिसके, नए फूल की नई पंखुरी जैसे चरण है उसके। देखो धवल शंख का कुंडल देता हमें अभयवर, देखो धवल शंख का कुंडल देता हमें अभयवर। हम नहीं किसी के दास, हमें तो अपना शिव की आस, जी, क्या तुम यहां पर हो? जी हाँ, मैं ही। कहिए, हमारे पास तुम्हें साथ ले जाने का आदेश है। किसका आदेश है? महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन का। हमारे साथ चलो, तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और सुनो, अपने साथियों से कहो कि हमारे काम में रुकावट न डालें, नहीं तो खून खराब हो सकता है। नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए खून बहाने की क्या आवश्यकता। तुम सब ईश्वर की खोज में लगे रहो। क्यों, क्या खबर है? जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा। अच्छा, तो उन लोगों ने उसे मार डाला? नीच हत्यारे। नहीं, उसे मारा नहीं, अभी तक तो नहीं। वो लोग उसे एक छोटी सी नाव में बिठा समुद्र में बिना पतवार के छोड़ आए हैं। राजा तो हद से पार जा रहा है। राजा की नहीं, ये उन पुरोहितों की करतूत है, और राजा उनसे घिरा हुआ है। पड़ोसी गांव की सभा ने कह दिया कि वो इस राजा को राजा नहीं मानेगी, वो अपनी वफादारी किसी और राजा के लिए दिखाएंगे। वो ऐसा कर सकते हैं क्या? कर चुके हैं, इसीलिए हम भी कर सकते हैं। मगर नतीजा क्या होगा? नतीजा? कैसा नतीजा? हमारे संत अप्पर को देश निकाला दिया गया, तो उसका नतीजा क्या अच्छा होगा? भाइयों, अप्पर स्वामी ने हमको नई जिंदगी दी, इज्जत दी। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को हम अपने भीतर ही कैसे पा सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भगवान वो है जो तुम्हारे भीतर है, वो नहीं जिस पर पुरोहितों ने हक जमा रखा है। उन्होंने ही हमें समझाया कि हम जब प्रेम और समर्पण करते हैं तभी हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। पुरोहितों ने हमें प्रभु के प्रेम से बहुत दूर रख छोड़ा था, मगर अप्पर स्वामी ने हमें समझाया कि प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। भाइयों, तुम ही बताओ, क्या ऐसे इंसान के लिए हमको कुछ नहीं करना चाहिए जिसने हमारे भीतर के खालीपन को भरने में हमारी मदद की? ठीक है, हमारी सभा को चाहिए कि वो इस राजा को राजा मानने से ही इनकार कर दे। ठीक है, हम किसी और को राजा मानेंगे। अगर आप सब ये मंजूर करते हो जी, तो हमें आसपास के गांव जाकर अपने संगी साथियों को भी ऐसा करने के लिए उकसाना चाहिए। जरूर। और हाँ, हमें समुद्र तट पर इधर से उधर बिखर जाना चाहिए, ताकि हो सकता है कि अप्पर स्वामी की नौका किनारे आ लगे। अगर हम वहां मौजूद होंगे ना, तो हम उन्हें वापस अपने बीच ला सकते हैं। ये सब क्या हंगामा है? मैंने तुमसे कहा था
उस अप्पर को चुपचाप छोड़ाना। इसके कारण मेरे राज सिंहासन पर संकट पैदा हो गया है। सैकड़ों गांव ने मुझे राजा मानने से इनकार कर दिया है। सारे किसान वर्ग में प्रलय मच गया है। बोलो बोलो, क्या उत्तर है इसका तुम्हारे पास? और आप लोग, आप मेरे परामर्शदाता, देख लिया ना आप लोगों ने भी? महाराज क्षमा करें, मैंने आपके आदेश का ठीक ठीक पालन किया था। अपर स्वामी को हम बिना किसी दिक्कत के ले गए। हमने उसे नाव में बिठाकर समुद्र में सहारा छोड़ दिया। न जाने क्या हुआ कि उनकी नौका तट पर आ लगी। बहुत से गांव वाले तट पर उनकी खोज में खड़े थे। जैसे ही उनकी नौका किनारे पहुंची, लोग वापस उन्हें अपने साथ ले गए। तुम्हारा मतलब है कि यह सब एक चमत्कार था? चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, कहिए कि एक मूर्ख धारा और कुछ हठी किसानों ने उसकी मदद कर दी, और क्या। तो वो फिर से स्वतंत्र हो ही गया? नहीं महाराज, हमने फिर उसे बंदी बना लिया है। पर इस पर बंदी बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा महाराज। कहाँ है वो? बाहर सैनिकों के पहरे में। मूर्ख, तुम उसे यहां ले आए? महाराज, इससे पहले कि देर हो जाए उस दुष्ट को। नहीं, मैं उस आदमी से मिलने के लिए उत्सुक हूं जिसने मेरे सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। महाराज, वो बातों का जादूगर है, उसे बोलने की आज्ञा मत दीजिएगा। ध्यान रहे महाराज, वो हर उस वस्तु को नष्ट कर देगा जिसके आप समर्थक हैं। उसे हमारे सामने लाओ। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। हर क्षण हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। हर चिन हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। मैं पोथी पढ़ता हूँ फिर भी समझ न आता, जान न पाता। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरी सत्ता को चुनौती दी है? नहीं, राजा महाराजाओं से मेरी कोई लड़ाई नहीं, राजपाट से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हारे कारण ही मेरे राज्य पर यह संकट आया है। मेरे कारण? नहीं, कारण मैं नहीं हूं, कारण है आपके ये पुरोहित और उन्हीं के जैसे कुछ। तुम हमारे विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो महाराज के सामने? याद रखो, तुम दरबार में खड़े हो, गांव के चौराहे पर नहीं। और समुद्र पर भी नहीं। फिर भी जो नया अनुभव मुझे हुआ उसके लिए धन्यवाद। उस विशाल समुद्र के बीच मैंने भगवान शिव को अपने जितने करीब पाया उतना पहले कभी नहीं। पागल है? पागल हूं, पर ईश्वर के प्रेम में। मनुष्यों की आत्मा पर शासन करने का पागलपन मुझ में नहीं है। तुम हमेशा पहेलियों में ही बात करते हो क्या? मेरी बातों में कोई पहेली नहीं है महाराज। आप दरअसल इन पुरोहितों के घुमावदार तर्कों को सुनने के इतने आदि हो चुके हैं कि सामान्य बातें आपको पहेली लगती हैं। आपके ये पुरोहित अंधे हैं, न भगवान को समझ पाते न मनुष्य को। ये लोग भय और निराशा फैलाते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग लोगों को अज्ञानी बनाने के लिए करते हैं। नहीं, इससे भी कहीं बुरा करते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग ईश्वर के प्रति लोगों के प्रेम को नष्ट करने में करते हैं। इनके धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा का विकास नहीं करते,
बल्कि उसे और छोटा बना देते हैं। इनकाती संयम हमारे शरीर का विकास नहीं करता, उसे विकलांग बना देता है। उपवास व्रत से क्या होता, क्या मिलता देह सुखाने से, क्या होता पर्वत की चोटी पर चढ़कर ध्यान लगाने से। उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से हाथ नहीं लगता, जो तीर्थ नित्य नहाते हैं, जो नाम प्रभु का, जो नाम प्रभु का सदा जपते, बस वही मोक्ष पा जाते हैं। हाँ मोक्ष वही तो पाते हैं। उपवास व्रत से क्या होता, क्या मिलता देह सुखाने से, उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से क्या होता। ये पागल ही नहीं अधर्मी भी है, पाप का प्रचार करता फिरता है। महाराज, राजमहल की चार दीवारी से बाहर निकलकर सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन पुरोहितों से डरते हैं, क्योंकि इनकी बातें उनकी समझ में नहीं आती। अहिंसा की बातें करने वाले इन लोगों से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर हैं। उनका कहना है कि भगवान ने इन्हें भुला दिया है। अच्छा, पर तू तो उन्हें सीख देता है कि जो कुछ पवित्र पावन है उसे छोड़ दो। मैं तो उन्हें सिर्फ ये शिक्षा देता हूं कि यदि वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। नीच जात के लोगों स्त्री को आरती उतारने की शिक्षा तुम ही देते हो ना। हमने जाना है कि भगवान हमारी कल्पना से कहीं अधिक दयावान है। वो छोटी जाति के लोगों या स्त्रियों से डरता नहीं है कि हम उसे इनसे छिपा कर रखें। क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? देश निकाला, मौत, कोई भी व्यक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकता। ना हम मृत्यु से डरते हैं, ना नरक का भय हमें सताता। हमने स्वयं को प्रभु के चरणों में डाल दिया है, वही हमें ऊपर उठाएगा। रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? वापस उन्हीं के शरण में। अगर आप हमारे साथ चल सकें तो चलें। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। महेंद्र विक्रम वर्मन पर अप्पर स्वामी का ऐसा असर हुआ कि वो शिव भक्त हो गए। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वो दोनों हमदौर नहीं थे और अप्पर बहुत बाद में पैदा हुए। महेंद्र वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने पौराणिक देवताओं के ऐसे मंदिर बनवाए जिनमें ना ईंट का इस्तेमाल किया गया, ना चूने का और ना ही लकड़ी का। ये मंदिर बौद्ध और जैनियों के चट्टानों से बने मंदिरों से प्रेरणा लेकर बनाए गए थे। तिरुचिरापल्ली गुफा मंदिर के एक शिलालेख में कहा गया है, इस लिंगम की उपासना करने वाले हैं वो राजा जो कहलाते हैं गुण प्रभा महेंद्र वर्मन। दुराचार का मार्ग छोड़कर वो ज्ञान के मार्ग तक आ पहुंचे। इस ज्ञान को इस लिंग द्वारा समूचे संसार में फैलने दो। कहा जाता है कि शिव भक्त होने से पहले महेंद्र वर्मन शिव उपासकों को सताते रहे। उसके बाद वो जैन धर्म के विरोधी हो गए। 8वीं शताब्दी में
दूसरे पल्लव राजा नंदीवर्मन भी जैन और बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करते रहे। शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों के फैलाव के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का असर और भी कम होने लगा। इसके बाद कन्नड़ा भाषा में भी भक्ति का इजहार हुआ। 12वीं सदी में कालाचुरी के राजा बिज्जला के मंत्री बसवन्ना ने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय कायम किया, जो धर्म, जाति और स्त्री पुरुष के भेद को नहीं मानता था। बसवन्ना ने कट्टरपंथियों को चुनौती दी, रूढ़ियों और आडंबरों का बहिष्कार किया। धनवानों ने रचे शिवाले, मैं निर्धन क्या रचूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ, मेरे पांव बने हैं खंभे, देह बनी है मंदिर सुंदर, मेरा ऊंचा माथा जैसे छतरी वाला स्वर्ण शिखर अचल खड़े, ओ ढे जाते हैं जो चलते वो टिक पाते हैं, ओ नदियों के संगम स्वामी, रुक जाऊं या चलूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ स्वामी। बसवन्ना की समकालीन महादेवी अक्का 10 साल की उम्र में ही शिव भक्त हो गईं। उनके माता पिता ने उनका ब्याह एक छोटे राजा से कर दिया, लेकिन महादेवी तो कब से ही शिव में लीन हो गई थी। अक्का का संघर्ष अपनी परिस्थितियों से था। ये संघर्ष था सामाजिक रूढ़िवाद के खिलाफ एक अस्तित्व का, एक नारी का, एक व्यक्ति का। मन में घना दर्द उठता है, हर पल हर छिन नई लपट में धू धू जल उठता है, रेशम का कीड़ा बुनता है बड़े जतन से अपना घर, अपने धागों से अपना तन कसते कसते जाता मर, इच्छा के धागों में लिपटा मेरा दम। बसवन्ना का आंदोलन फैलता रहा। बड़ी तादाद में शूद्र इस संप्रदाय में शामिल हुए, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक सम्मान मिला। बाद में तो बहुत से शासकों ने भी वीरशैव धर्म स्वीकार कर लिया। आज दक्षिण में वीरशैव लिंगायत एक बड़े धर्म संप्रदाय के रूप में माना जाता है। 13वीं सदी के अंत में कन्नड़ा की पड़ोसी भाषा मराठी भक्ति साहित्य का माध्यम बनी। ज्ञानेश्वर मराठी भाषा के पहले भक्ति कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवत गीता को मराठी में लिखा। रहो देवता के द्वारे खड़े एक पल भर को जी, रहो देवता के द्वारे खड़े एक पल भर को जी, बिना कष्ट चारों मुक्ति हंसी खेल में साधो जी, बिना कष्ट चारों मुक्ति हंसी खेल में साधो जी, हरि नाम बोलो मुख से हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से हरि नाम बोलो जी, पुण्य की मिलेगी दौलत तौल नहीं पाओ जी, पुण्य की मिलेगी दौलत तौल नहीं पाओ जी, ज्ञान देव को बतलाया, ज्ञान देव को बतलाया व्यास ने सुनो जी, ज्ञान देव को बतलाया व्यास ने सुनो जी, पांडवों के घर में राणा द्वारका कपावो जी, पांडवों के घर में राणा द्वारका कपाओ जी, हरि नाम बोलो मुख से हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से हरि नाम बोलो जी,
हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी, हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। संत ज्ञानेश्वर से कई सदियों बाद एक और बड़े संत कवि हुए तुकाराम। उनकी रचनाएं आज भी महाराष्ट्र के गांव-गांव में सुनाई देती हैं। भुला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव, 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 मानीपुरी सत्ता तेरी बजे बजे तेरी भेरी, 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 भुला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव, भुला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव, मैंने आपा खोया तूने हृदय धाम पाया, मैंने आपा खोया तूने हृदय धाम पाया, तुका तेरा चेहरा शेष नहीं मैया मेरा, तुका तेरा चेहरा हो, तुका तेरा चेहरा हो, तुका तेरा चेहरा हो, तुका तेरा चेहरा, तुका तेरा चेहरा शेष नहीं मैया मेरा। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।